कुछ आज ये अथर्वमेध क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अथर्वमेध एक लंबी हरी मिर्च का आकार है, क्योंकि तो मिर्च कई तरह की होती है। मतलब हिंदुस्तान में जो मिर्च पाई जाती है, कई जगह बहुत पतली होती है, छोटी होती है, कई जगह पे पतली होती है, लंबी होती है, कई जगह पे मतलब मिडल साइज की होती है और छोटी होती है, कई सारी जगह पे मिडल साइज की होती है और लंबी होती है, कई सारी जगह पे मोटी होती है और छोटी होती है। यानी मोटी और छोटी का मतलब मोटाई, यानी उसका जो नया मोटा होता है, लंबाई उसकी कम होती है। जैसे हम जानते हैं शिमला मिर्च, कोल्हापुरी मिर्च, इस तरह से जो हम जानते हैं मिर्च, वैसे तो पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन इसकी कई तरह की प्रजातियां हैं। मिर्च की वैरायटीज बहुत है, मिर्च कहने को मिर्च है लेकिन वैरायटी बहुत है, अलग अलग जगह में। एक मिर्च इतनी तीखी होती है, अगर आप एक मिर्च खा लो तो आपको मतलब एक मिर्च के साथ आपको थोड़ी सी शक्कर गुड़ कुछ खाना पड़े, नहीं तो आपके मुंह का तीखापन खत्म होगा, आपको जलन होने लगेगी। और एक जगह इतनी मीठी होती है, आप मीठी मीठी आप पूरी की पूरी खाना शुरू कर दो। जैसे शिमला मिर्च होती है, उसमें उतना तीखापन नहीं होता, बल्कि उतना क्या बहुत ही कम, बहुत माइनर सा तीखापन होता है। स्वाद सब जगह का अलग अलग होता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मिर्च है, ये पूरी दुनिया में एक अलग तरह की मिर्च है और किसी विशेष जगह पाई जाती है। जो राजस्थान का पर्टिकुलर एरिया है, जिसको हम वैसे तो सोजत एरिया बोलते थे, वहाँ सोजत जो है, जो सोजत पाली मारवाड़ वाले बेल्ट के अंदर आता है, वहाँ की जो मिट्टी की जो खास बात है, वहाँ का जो क्लाइमेटिकल जो एनवायरमेंट है, ये कुछ ऐसा है। मतलब अगर आप उस जगह से 50 किलोमीटर दूर भी चले जाओगे या 100 किलोमीटर दूर भी चले जाओगे, तो वैसी मिर्च आपको नहीं मिलेगी। ये वहाँ की पर्टिकुलर जगह का ये मामला है, और पूरी दुनिया में ये वहाँ की मिर्च पूरी दुनिया में मतलब लोग पसंद करते हैं, खाई जाती है। इसलिए इसका आप ये मत सोचो मिर्च मिर्च नहीं है, ये बहुत स्पेशलिटी है, ये यूएसपी आपका नाम है। क्योंकि हम पर्टिकुलर उसी जगह की जहाँ की ये मिर्च होती है, ये वहीं की मिर्च, ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी अपने घर में लगा ली। आप दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, बरेली के, रायबरेली के, कोल्हापुर के हैं, नांदेड़ के, आप कहीं के भी और आप कहें तो मिर्ची लगा के मैं यही घर में अचार बना लूं, नहीं हो सकता। आप चाहे कोल्हापुर के हो, चाहे अगरतला के, भूज के हो, चाहे जम्मू के, अगर आपको इस मिर्च का फायदा लेना है, तो आपको राजस्थान की उस पर्टिकुलर उस एरिया की मिर्च का ही आपको फायदा लेना पड़ेगा, लुत्फ लेना पड़ेगा, तभी आप उसको आनंद ले पाएंगे और उसके बाकी के सारे बेनिफिट जो मैं भी आपको शेयर करने वाला हूँ आपको मिल पाएंगे। मारवाड़ी स्वाद, यानी मारवाड़ी इसलिए कहा जाता है कि जो पर्टिकुलर एरिया है उसको मारवाड़ एरिया कहा जाता है। मारवाड़ एक एरिया का नाम है, एक जगह का, कोई पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं है, ये पर्टिकुलर एक बेल्ट है, उस बेल्ट को मारवाड़ कहा जाता है। मारवाड़ी स्वाद लाने के लिए अथाना मिर्च जो बनाई जाती है, उसमें नमक, सरसों, मेथी, सूखे आम का पाउडर, सौंफ, हींग आदि से उसको भर के, और वो भलवा मिर्च बनाई जाती है। बहुत पूरी बहुत फेमस होती है मिर्च से, इस तरह से बनाने, क्योंकि ये जो कहते हैं कि हेल्थ के लिए, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, जो अभी मैं आपको आगे चल के शेयर भी कर रहा हूँ, ये इंग्रेडिएंट आपको हेल्थ के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है। ये अथाना मिर्च क्या ये मसालेदार मिर्च है? नहीं, होता है जैसे कई सारी चीजें मसाले की, क्या बात है, आई मसाले तो है इसमें, बट मसाले किस तरह के, आई थोड़ा सा जानेंगे हम प्रोसेस। अथाना मिर्च में आपको जो रंगीन जो फ्लेवर होते हैं, यानी रंगीन का मतलब जो हमारे मसाले होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं मसाले। हल्दी में कलर अलग होगा, मिर्च में कलर अलग होगा, नमक में अलग होगा, जीरा में अलग होगा या सौंफ में अलग होगा, तो अलग अलग कलर्स होते हैं मसालों के, तो उनकी महक भी वैसी होती है। और ये अथाना मिर्च को उस तरह के अलग डिफरेंट तरह के मसालों से मिला के और वो दिया जाता है, ताकि आपको उसकी महक, उसकी ताजगी, उसकी आपको औषम आपको मिल रहा है। इसे अपने पराठे, मठरी या टोस्ट के साथ भी आप खा सकते हैं, लंच या डिनर, या आप कहीं भी जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और आप चावल में या आप इसको पुलाव में, आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। हालांकि विशेष रूप से ये पराठों के साथ खाई जाती है, और क्योंकि ये जो जो चीज है, इसका एक बड़ा सा जो मामला है वो ये है कि ट्रेवलिंग करते हुए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। यात्रा करनी है तो आपने अथाना मिर्च का एक पैकेट ले लिया, अगर लंबी यात्रा तो दो ले लिए, तीन ले लिए, चार ले लिए, आप इसको भाई को खिलाओ, भौजाई को खिलाओ, मौसी को खिलाओ, मौसा को खिलाओ, बच्चे को खिलाओ, चुन्नू को खिलाओ, मुन्नू को खिलाओ, पड़ोसी को खिलाओ, दोस्त को खिलाओ, दुश्मन को खिलाओ, सबके लिए सिर्फ फायदा करती है और ये नुकसान नहीं करती, क्योंकि ये जो इसका जो जो बनाने का जो तरीका है, ये कदर बहुत जल्दी ये खराब नहीं होती और लंबे समय तक के काम करते हैं। होता है ना, सब्जी आप बनाओगे तो सब्जी आपको सेकंड खराब हो जाती है, तो ये वैसा मामला नहीं है। और आज नॉर्मली जो अचार बनते हैं, अचार को लंबे समय, लंबी आयु के बनाने के लिए हमें उसको हमेशा तेल में डाल के या डूबो के रखना पड़ता है, इसके साथ ऐसा नहीं है। तो ये इसकी ब्यूटी है कि इसकी लाइफ भी ज्यादा है और उसके बाद भी इसको तेल में डूबना नहीं पड़ता, क्योंकि तेल में डूबी हुई आप चीज को ट्रेवल करके ले जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, और कई सारी जगह पर तेल तो अलाउ नहीं होता खाने के लिए, कई लोग नहीं खाते, कई उम्रदराज लोग नहीं खाते, कई बीमार लोग नहीं खाते, यहाँ पे ये मामला ऐसा नहीं है। इस मिर्च में ये हार्ट के लिए बहुत ही कमाल की है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक कैप्साइसिन नामक का एक कंपाउंड है, जो केवल इस पर्टिकुलर मिर्च में ही पाया जाता है।
ये होता है, कई सारी चीजों के कई हेल्थ बेनिफिट है वो पर्टिकुलर इस चीज में पाया जाता है। मतलब अब आपको मैं, आप पहले भी मैंने पिछली बार एक ट्रेनिंग की थी जिसमें मैंने बात बताई थी आपके बीच में मल्टीग्रेन दलिया के बारे में। तो यहाँ पे मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूँ, ये मेडिसिन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, बट आपके फूड का ही अगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो ये आपकी दवाइयां घर में आने नहीं देगा, ये वो काम करता है, हाफ मेडिसिन इसको कह सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग जगह पाई जाती है, उन्हीं में से यहाँ पे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर ही पाए जाते हैं। वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में भी खा सकती है, किसी उम्र दराज का व्यक्ति खा सकता है। और अमूमन जैसे बीमार होने वाले व्यक्तियों को डॉक्टर्स कई बार बाकी चीजें खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन ये लिस्ट है, यानी यहाँ पे इसको मना नहीं करते, बहुत रेयर केसेस की बात अलग करते हैं, इसको मना नहीं करते, क्योंकि इसमें वैसा खट्टापन नहीं है जो आपके बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स और एसिड्स डेवलप करें, तो वो चीज यहाँ पे नहीं आती है। अथारोमिक्स जो है इसमें कैरोटीन है, जिसकी वजह से आपके आंखों को हेल्दी बनाए रखने में बहुत बड़ा इसका रोल आता है। आप अगर हिंदुस्तान में जितनी भी आंखों की जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज है, अगर आप उनमें देखेंगे तो कैरोटीन जरूर होता है आंखों के प्रोटेक्शन के, वो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, और वो कैरोटीन इस मिर्च के अंदर पाया जाता है। आप क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मधुमेह की जो प्रॉब्लम होती है, उसको भी यहाँ पे ये कंट्रोल करने में बहुत बड़ा इसका रोल है। और ये क्योंकि वो जो मिर्च है, ये मिर्च में ही ये खास बात है, मिर्च के साथ साथ बाकी जो मसाले हैं उनमें अलग अलग चीजें जो मिलाने से बहुत अच्छी चीज बन जाती है, बट ये मिर्च के अंदर खास बात है। यानी हरी मिर्च अगर आप कहते हैं ना कच्ची मिर्च भी खा लो तो आपको ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम करती है, बट क्योंकि कच्ची मिर्च हम खाते नहीं है, खा नहीं पाते, कच्ची का सोर्स करना आप कहाँ से मंगाओगे, आप कहीं भी लेने वाले हो, किसी भी सब्जी मंडी में जाओगे आपको राजस्थान की वो वाली मिर्च नहीं मिलेगी। मिर्च में कैप्साइसिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, ये जो कि मैंने वही वाला बताया है कि गैस्ट्रोएंटेसाइट नल की समस्या को भी दूर करता है, जो आपकी पाचन क्रिया में ये इसका काफी बड़ा रोल होता है। और इसलिए कहते हैं कि जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं, तो ट्रेवलिंग करते हुए आदमी मान लिया ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, जर्नी इसकी 12 घंटे की, 24 घंटे की, 20 घंटे की, 24, 36, 30, 40 लंबी जर्नी है, या वैसे भी आदमी घर से जब बाहर जाता है तो बाहर जाने के बाद अपनी रूटीन लाइफ में वैसा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे ये चीज बड़ा जबरदस्त काम करती है, क्योंकि ये आपके पाचन क्रिया को बिल्कुल एकदम प्रॉपर रखती है। और क्योंकि ये इसके अंदर जो पाचन क्रिया जो कि मैं भी बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फाइबर्स भी मौजूद है जिससे ये आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि फाइबर आपकी बॉडी में आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ठीक रखता है। हरी मिर्च में पाया जाने वाला कंपाउंड जो कैप्साइसिन है, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रही है, अगर हम लगातार खाते हैं तो आपके मोटापे को कंट्रोल करता है, दुरुस्त करता है, कम नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत मोटे खाओगे तो आपसे कम, देखो मेरा पॉइंट है आपकी डाइट क्या है, आप क्या खा रहे हो जिससे आपको आगे चल के 50 तरह की बीमारियां जो हो जाती है ये चीजों को कंट्रोल करने की काम करती है ये चीज। अब क्योंकि अथाना मिर्च है, देखो मिर्च का अचार आपको हो सकता है हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह, बट आपको ये देखना है अथाना मिर्च है, अथाना यानी राजस्थान की उस पर्टिकुलर एरिया की मिर्च है, तो ही वो चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसके अंदर एंटी हाइपर टेंसिव गुण पाया जाता है, जो आपके ब्लड को, जो ब्लड शुगर क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करता है, जिससे आपको हार्ट के आने वाले वक्त में जो डिजीज है उसमें आपको खतरा कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है आपका, क्योंकि ये ब्लड के प्रोसेस को ठीक रखता है। और मिर्च ये खाने के बाद कई बार जैसे अगर हम थोड़ा बहुत कोई तनाव में किसी भी कारण से, तो तब भी ये उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फायदा पहुंचाने का काम करता है। इसका टेस्ट, इसका इंग्रेडिएंट, इसके फ्लेवर, इसकी कंटेंट कुछ इस तरह के है। हरी मिर्च में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण ये आपके मतलब जो आपकी बॉडी में जो भी कोई बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और वो कोई जो दुष्परिणाम अगर किसी चीज के हो तो उसके संक्रमण को रोकने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। अब आप सोचोगे यार ये तो फायदेमंद चीज बड़ी कमाल की है, और बाद में फिर आप ये कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हम लोग जिस बिजनेस में है, हम जिस काम को कर रहे हैं और जिस बात को लेके आज हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है, वो है लॉयल क्लब। और लॉयल क्लब कितना आसानी से हो जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जब काम करते हैं, खरीदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम सही चीजों का उपयोग नहीं करते, हम सोचते हैं ये सस्ता, ये महंगा, ये पास में, ये दूर है, हम ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और इस तरह की हम तमाम प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको इस बात के लिए तैयार करेगी, मजबूर करेगी कि आप सबको कम से कम लॉयल क्लब करना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें धीरे धीरे मैं आपको आने वाले दिनों बताने वाला हूँ, अगर ये सब चीजें लोगों के घरों में आती रहेगी तो आपका घर भी ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और आपकी रिटेलिंग भी होगी, और आपका सब कुछ अच्छा होगा, और लॉयल क्लब तो हंसते हंसते होने लग जाएगा। लेकिन एक समस्या है, ये सारी जानकारी, सारी बातचीत
क्योंकि हम लोग इस मीटिंग के माध्यम से करते हैं, तो मीटिंग में तो आप जब लोगों को लाओगे तो आपको मिल जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसकी जानकारियां लें, जानकारी हासिल करें, और मैं आने वाले दिनों में आप सब लोगों के साथ में इसके मार्केटिंग के मॉड्यूल्स एंड प्रमोशनल पोस्टर्स भी मैं बनवाऊंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रचारित करें। आप जितना ज्यादा प्रचार करोगे किसी चीज की अवेयरनेस है वो काम को कर पाते। हरी मिर्च में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी क्योंकि आपको मतलब बहुत जरूरी होता है, जैसे हम लोग नींबू वगैरह को सेवन करते करते कई सारी चीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है विटामिन सी, उसको बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बट यहाँ पे इस हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है, और ये आपकी हड्डियों को, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर तो हड्डियों का पूरा ढांचा है जिसकी वजह से आपका शरीर की बनावट है, तो कई छोटे छोटे पार्ट्स है जो आपके बोन से डेवलप हुए हैं, ये उनकी रख रखाव करने में ये बड़ा इसका रोल है, बहुत बड़ा अहम रोल है इसका। हरी मिर्च में जो कैप्साइसिन पाया जाता है वो आपके जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, या उसकी जो चलने की या सोने उठने बैठने की जो प्रक्रिया है, ये उसके लिए भी ये बहुत असरकार है। हरी मिर्च में पाए जाने वाला एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, क्योंकि बड़े टिपिकल टिपिकल से वर्ड्स हमारे बीच में है, हालांकि हमें उतनी सारी चीजों की जानकारी जरूरत नहीं है, तो बाद में आज आपके बीच में कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमें पता चले कि इसको हम लोग नॉर्मल अचार या नॉर्मल चीज की जैसे लेके हम लोग ऐसा नहीं समझेगा ठीक है क्या फर्क पड़ता है। देखो आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आज आरसीएम बिजनेस में जितने लोग हैं अगर इसको कोई यूज क्यों नहीं करे, इसका मैं कारण जानना चाहता हूँ। बात सिंपल है कि कोई इसका उपयोग क्यों नहीं करे, और अगर किसी के भी घर में अगर ये प्रोडक्ट जाता है तो एक महीने के अंदर ये चार पांच पैकेट बहुत आराम से किसी के भी घर में लग सकता है, और एक या दो पैकेट लगना तो कोई बड़ी बात नहीं, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, और इसमें कोई कमी नहीं। मतलब एक होता है ना कि कोई प्रोडक्ट से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ अच्छा ही और कुछ कमियों के बीच में, मतलब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि इस प्रोडक्ट में कोई ऐसी बात है ही नहीं जो इसमें कोई कमी आपको जाहिर करे। क्योंकि ये जैसे ना कई बार हमारी बॉडी में जो जकड़न होती है, सूजन होती है, ये अगर हमारे मतलब जो डेली की जो खाने की प्रोसेस है, और कई बार हम लोग सुनते हैं यार गठिया हो गया है, तो ये उसको भी अगर हमारी हैबिट में ये तो वो उसको भी ये कंट्रोल करता है, या उसको भी ये आने नहीं देता है, इसको मैं ये कह सकता हूँ। और सर्दी वगैरह के लिए तो ये बहुत ही कमाल का, और कहते हैं कि सर्दी में इसकी बिक्री बहुत कई गुना बढ़ जाती है। मतलब जो मिर्च है ये पूरा जो साल भर में 12 महीने की जो मार्केटिंग होती है, उस मार्केटिंग में ये सर्दी का जो वक्त होता है या 2 या 3 महीने का ये वक्त जो होता है, इसका सबसे बड़ा सीजन टाइम माना जाता है। और सर्दी में बनने वाले दलिया, सर्दी में बनने वाली खिचड़ी, सर्दी में बनने वाला बाजरा, या जो भी चीज हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं सर्दी में फायदेमंद होती है, उसके साथ ये अथाना मिर्च मतलब ये बहुत बड़ा काम। क्योंकि ये तो मेरी तो, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मेरे परिवार में मेरे माता पिता दादा दादी का एक कल्चर रहा है कि खाने में वो ऐसी चीजें शामिल करें जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, क्योंकि कल्चर आई है, बल्कि आपकी क्या हमारे सबके घरों में हमारे बुजुर्ग लोगों ने ये परंपरा आदतें डाली है। और राजस्थान का होने के नाते मुझे इन सब चीजों का फायदा पहले ज्यादा मिला, क्योंकि बाकी हो सकता है कि बहुत दूर दराज लोगों को ये वाली मिर्च की जानकारी ना होगी या नहीं मिला होगा, फायदा मुझे मिला। और मुझे याद आता है सारी बातें कि सर्दी के मौसम में ये चीज विशेष रूप से खिलाई जाती थी, या सर्दी से अगर बचना है तो आपका खान पान कैसा होना चाहिए। इसके अंदर विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, और उस वजह से आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो स्किन है, उसके लिए भी विटामिन सी बहुत बड़ा रोल करता है। और जहां जहां पर भी ये जो एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे आपकी ब्यूटी के लिए, चाहे आपके वो आपका हेल्थ गार्ड ऑयल है, चाहे आपके पास वो दलिया है, चाहे आपके पास न्यूट्रिशन के हमारे प्रोडक्ट सीरीज है, और चाहे हमारे पास कॉस्मेटिक्स की जो मॉरिंगो की सीरीज, सारी सब चीजों में ये हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है हमारे बॉडी को मेंटेन करने, स्किन को देख रेख करने के लिए। कैंसर जैसी जो बीमारी है उससे भी, देखो ये आजकल हम जो सुनते हैं आए दिन लोग हार्ट से बीमार हो रहा है, कैंसर से बीमार हो रहा है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं खान पान का उसका बड़ा रोल है, हमारे खाने पीने की आदतों में हमने उन सब चीजों को हमने अवॉइड कर दिया। अब आजकल हम लोग क्या बर्गर वाले कॉन्सेप्ट में चले गए, हम लोग आप पेप्सी कोका कोला के कॉन्सेप्ट में चले गए, आप हम सब लोग सारी उन सब चीजों का उपयोग नहीं करते, पर दुनिया करती है। तो आज की तारीख में अगर मैं देखूं, अगर बात करता हूं, तो इंडिया के अंदर उस तरह का फ्रूट जो आपको सिर्फ बीमार कर सकता है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो टर्नओवर है, वो कई गुना ज्यादा है। उनकी प्राइसिंग ज्यादा है, उनका टर्नओवर ज्यादा है, उनकी उनकी पहुंच, उनकी मार्केटिंग, उनकी पेनिट्रेशन ज्यादा है, और वो जब इतनी छोटी छोटी जगह में अपने मार्केट को बड़े मुनाफे के साथ बड़ा कर सकते हैं। हम बेसिक चीज, जरूरत की चीज, अगर हम बेसिक चीज और जरूरत की चीज की मार्केटिंग अगर हम बहुत बड़ी नहीं कर पाए, तो फिर ये केंद्रीय हमारे लिए सोचने वाला विषय है। बात है ज्यादा से ज्यादा चीजों की जानकारी को लोगों के बीच में ले जाना, ज्यादा से ज्यादा बीच में बार बार प्रचार प्रसार करना, है हम जितना ज्यादा अवेयरनेस पैदा करेंगे उतना ज्यादा इसका हमें फायदा मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय तो ये बहुत ही कमाल की चीज है, क्योंकि कहीं भी चले हो, सुबह शाम दिन शाम रात हो, आपको कहीं भी हो, आपको कोई परेशानी नहीं है। आप सुबह जल्दी उठ के नाश्ते के साथ ले सकते हो, लंच के साथ, डिनर के साथ, बहुत देर खाना खाना पड़ रहा है या दिन में कहीं जाना पड़ रहा है, कभी भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सर्दी के मौसम में ये लाभकारी है, जैसा मैंने भी आपको बताया था, और मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल रखता है, और सर्दियों में ये काफी अच्छा काम करता है, फायदेमंद है।
18 मिनट में तेल का उपयोग बहुत कम होता है, जैसा मैंने अभी आपको पहले शेयर भी किया था कि नॉर्मली बाकी जितने जार होते हैं उनमें तेल थोड़ा कंपेरिजन में ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज ऐसी जिसकी लाइफ बिना तेल के भी ज्यादा होती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि फिर ये बैरियर खत्म हो जाता है कि ये ले पाएगा ये नहीं ले पाएगा, खत्म हो जाती है। ये एक छोटी सी एक बहुत ही मतलब नॉमिनल सी जानकारी।